हाँ जी दोस्तों, आई होप सब ठीक हो आप। तो बस जी, एक और दिन अच्छा वेदर था तो रेंज पे आ चुका हूँ आपके लिए। तो ये दो गन्स लेके आया हूँ मेरे पास ना, ये काफ़ी टाइम से पड़ी है, मैं काफ़ी कम यूज़ करता, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार मैं शूट करके तो इसे निकालूँ इन दोनों को, तो कुछ और अच्छी सी कोई नई गन में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये गन जो मेरे पास है, इसका नाम है जी मॉडल 174 बाय सेल, CIL स्टैंड फॉर कनेडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कैनेडा की बनी हुई है, 50 साल पुरानी होगी, यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं इसका, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड होगी ये गन। तो सिंगल शॉट है, 22 LR 22 लॉन्ग राइफल, जो छोटी छोटी जो ये एमओ है इसका। तो खासियत क्या है जी, एमओ जो है काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू दूसरी बड़ियों के लिए, बट है ये डेडली। ये नहीं सोचिए कि छोटा है तो कोई चक्कर नहीं, पर हाँ तो बर्ड हंटिंग के लिए, रैबिट हंटिंग के लिए, वैसे भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे टारगेट प्रैक्टिस में भी अच्छा है, अगर आप नए शूटर हो या कोई यंग शूटर है, बड़ी गन से थोड़ा सा उसे ज़्यादा रिकॉइल से डर लगता है, सो ये बेस्ट तरीका है। जो ये गन है बहुत ही सेफ, इनका वो होता है ऐसे चलाएंगे नहीं चलेगी, बहुत ही सेफ एक्शन है इसका। इसको पुल करके अब ये चलेगी, अगर नहीं आपने यूज़ करनी तो इसको पुल करके बैक रिलीज भी कर सकते हो। तो आओ कुछ टारगेट लगाए हुए हैं, कुछ ट्राई करते हैं आपके लिए। ये लीजिए, ओके, येलो कैन जो लेफ्ट में है उसको ट्राई करते हैं। बीच में से निकल गई, उसके पास जाके बाद में आपको दिखाऊंगा। भी वन राइट कॉर्नर पे ब्लैक वाले को शूट करते हैं। फिफ्टी फीट से मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम। रेंज इसकी आई थिंक यही ठीक रेंज है, इससे थोड़ी सी दूर भी चल जाएगा 60-70 फीट, पर उसके बाद एक्यूरेसी थोड़ी सी इसकी ख़राब हो जाती है, पर प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे एक और मैटर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतने आपके निशाने पक्के होंगे। इवन बड़ी गन्स में भी ब्लू कैन इन द मिडल बिल्कुल सेंटर से निकल गई है। मेटल प्लेट लो जी, तो ये है जी, $100 की ली थी, तो इतनी नई मार्केट में दिखती पर मिल जाती है, यही रेट होगा इसका आज भी, $150 या $200 तक। तो बहुत ही सेफ है मेरा मानना है, कोई यंग कोई जस्ट शूटिंग वगैरह में जा रहा है तो उसके लिए सेफ है। तो आओ दूसरी गन आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरी वाली जो है अपने पास है, उसका नाम है जी ये वाली, तो ये वाली, तो ये है जी, इसका नाम है कुई, कुई 39, कुई मॉडल 39। तो कुई बहुत, ये भी कैनेडा की बनी हुई है, ओंटारियो की। तो कुई बहुत बहुत इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, काफ़ी पुरानी, लाइक आई थिंक अर्ली 1900 से बनानी शुरू की थी। काफ़ी इनकी गन्स फेमस हुई है, एक मॉडल 16 का बहुत फेमस हुआ, मॉडल 75 फेमस हुआ, मॉडल 60 भी है मेरे पास, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये मॉडल 39 है, ये आई थिंक थोड़ी सी इन्होंने छोटे स्टॉक रख के बनाई है, मे बी यूथ शूटर्स को ध्यान में रख के। तो इस ये बनी हुई है 1961 या 1964 के बीच में, काफ़ी हिट थी ये गन भी और काफ़ी तादाद में बनाई गई थी। ये इस टाइम तक जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो विनचेस्टर ने बाय कर लिया था कोई को, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका, ये देखिए मॉडल 39 मैन्युफैक्चर बाय विनचेस्टर, कोबर्ग ओंटारियो कनाडा। तो काफ़ी पुराना, इसके ऊपर स्कोप भी लगा हुआ है बुशनल का,
आओ देखते हैं ये कितनी एक्यूरेट है। काफ़ी टाइम पहले चलाई थी, आज चला रहा हूँ। स्कोप वाली का मुझे थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि अगर स्कोप अच्छी तरह से साइट ना हुआ हो तो कोई फ़ायदा नहीं। बाकी एक्शन इसका सेम है, क्योंकि इसी का एक्शन का यूनिट कॉपी किया, सेम है। उसको पुल किया और तो जी मेटल प्लेट, सेम ही लोडिंग, एक चोट किया निकाला, ब्लैक कैन बिल्कुल नीचे से निकल गई है। कैंस एम्प्टी है ना, वो तो इसकी स्पीड ज़्यादा बीच में से निकल जाती है। ब्लू कैन, मेटल प्लेट, येलो कैन बिल्कुल साइड में से, सेकंड कैन ब्लैक वन, मेटल प्लेट। तो लीजिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, 60 साल पुरानी गन अभी भी चल रही है जस्ट लाइक ए न्यू वन। ये मैंने आई थिंक $130 की ली थी, तो आज की रेट में $150 to $200 तक की, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इजीली मिल जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, अब मैं इन्हें इजीली सेल कर सकता हूँ किसी को, और आपको कुछ नई गन्स ला के अच्छी कोई डिफरेंट दिखाऊंगा। आओ पहले आपको दिखा दें जो टारगेट सेट किए हैं हमने। ये कुछ मेटल प्लेट पे जो शॉट हुए हैं, तो ये जो कैन पे कुछ हिट हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, ये ब्लू वाले पे जो शॉट हुए हैं वो खाली है ना, कैन तो बीच में से निकल जाती है, कुछ पानी वगैरह भरना चाहिए इनमें। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स अगेन गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। का सेम है, क्योंकि इसी का एक्शन का यूनिट कॉपी किया, सेम है। उसको पुल किया और तो जी मेटल प्लेट, सेम ही लोडिंग, एक चोट किया निकाला, ब्लैक कैन बिल्कुल नीचे से निकल गई है। कैंस एम्प्टी है ना, वो तो इसकी स्पीड ज़्यादा बीच में से निकल जाती है। ब्लू कैन, मेटल प्लेट, येलो कैन बिल्कुल साइड में से, सेकंड कैन ब्लैक वन, मेटल प्लेट। तो लीजिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, 60 साल पुरानी गन अभी भी चल रही है जस्ट लाइक ए न्यू वन। ये मैंने आई थिंक $130 की ली थी, तो आज की रेट में $150 to $200 तक की, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इजीली मिल जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, अब मैं इन्हें इजीली सेल कर सकता हूँ किसी को, और आपको कुछ नई गन्स ला के
अच्छी कोई डिफरेंट दिखाऊंगा। आओ पहले आपको दिखा दें जो टारगेट फिट किए हैं हमने। ये कुछ मेटल प्लेट पे जो शॉट हुए हैं, तो ये जो कैन पे कुछ हिट हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, ये ब्लू वाले पे जो शॉट हुए हैं वो खाली है ना, कैन तो बीच में से निकल जाती है, कुछ पानी वगैरह भरना चाहिए इनमें। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अगेन गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक।